अंदर जो खट्टर सरकार है, इस सरकार ने शहीद भगत सिंह के नाम पर जो एक एयरपोर्ट रखा गया था, एयरपोर्ट का नाम रखा गया था, उसको एक संघी के नाम पे रख दिया। कहने का मतलब यह है कि हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट आरएसएस से नहीं चाहिए, लड़ते हैं। हमारे लिए यही देश है। हमें पूरा भरोसा है बाबा साहब के ऊपर, हमें पूरा भरोसा है अपने देश के संविधान के ऊपर, और हम इस बात को पूरे मजबूती से कहना चाहते हैं कि इस देश के संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा, चाहे वो उंगली संघियों का हो, चाहे वो उंगली किसी का भी हो, उस उंगली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान झंडे वाला और नागपुर में पढ़ाया जाता है, उस संविधान पे हमको कोई भरोसा नहीं, हमको मधु स्मृति पे कोई भरोसा नहीं है, हमको इस देश के अंदर जो जातिवाद है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और वही संविधान, वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में संवैधानिक उपचार की बात करते हैं, वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश करने की बात करते हैं, वही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हुए जो हमारा बुनियादी अधिकार है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम उसको अपहोल्ड करना चाहते हैं। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है कि आज एबीवीपी अपने मीडिया सहयोगियों से पूरे मामले को ऑर्केस्ट्रेटेड कर रहा है, पूरे मामले को डाइल्यूट कर रहा है। कल एबीवीपी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हम फेलोशिप के लिए लड़ते हैं। कितना रेडिकुलस लगता है सुनकर के, इनकी सरकार मैडम मनु स्मृति ईरानी फेलोशिप को खत्म करती है। हम फेलोशिप के लिए लड़ते हैं, इनकी सरकार हायर एजुकेशन के अंदर 17% बजट को कट किया है। उससे हमारा हॉस्टल पिछले 4 सालों में नहीं मिला, उससे हमको वाईफाई आज तक नहीं मिला, और एक बस दिया भेल ने तो उसमें तेल डालने के लिए प्रशासन के पास। बीजेपी के लोग रोलर के सामने जाकर देवानंद की तरह तस्वीर खिंचा कर कहते हैं कि हम हॉस्टल बनवा रहे हैं, हम वाईफाई करवा रहे हैं, हम फेलोशिप पढ़वा रहे हैं। इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी साथियों, अगर इस देश में बुनियादी सवाल पे चर्चा होगा। और मुझे गर्व है इनवाइट होने पे, कि हम बुनियादी सवाल पे चर्चा करते हैं, हम बुनियादी सवाल उठाते हैं। कहता है कि जेएनयू में जिहादी रहते हैं, कहता है कि जेएनयू के लोग हिंसा फैलाते हैं। सवाल है, मैं जेएनयू से चैलेंज करना चाहता हूं आरएसएस के विचारकों को कि बुलाओ और करो हमारे साथ डिबेट, हम करना चाहते हैं हिंसा के कॉन्सेप्ट पे डिबेट, और हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं। गोलियों से आरती, किसका खून बहाना चाहते हो इस मुल्क में तुम? चाहते हो इस मुल्क में तुम? तुमने गोलियां चलाई हैं, अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। इस मुल्क के अंदर गरीबी जब अपने रोटी की बात करता है, जब भूखमरी से लोग मर रहे अपने हक की बात करते हैं, तुम उन पे गोली चलाते हो। तुमने गोली चलाया है इस मुल्क में मुसलमानों के ऊपर, तुमने गोली चलाया है इस मुल्क में
महिलाएं जो अपने अधिकार की बात करती है तो तुम कहते हो कि पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकता। महिलाओं को सीता की तरह रहना चाहिए और सीता की तरह अग्नि परीक्षा देना चाहिए। किस देश में लोकतंत्र है और यह लोकतंत्र सबको बराबरी का हक देता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, या अंबानी या अदानी हो, सबके हक की बराबरी की बात करता है। उसमें महिलाओं के हक की जब हम बराबरी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। हम बर्बाद करना चाहते हैं शोषण की संस्कृति को, जातिवाद की संस्कृति को, अनुवाद की संस्कृति को। परिभाषा से हमारी संस्कृति की परिभाषा तय नहीं होती। इनको दिक्कत कहाँ आता है? इनको दिक्कत होता है जब इस मुल्क के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब लोग लाल सलाम के साथ नीला सलाम लगाते हैं, जब मार्क्स के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, और इनकी साजिश है। ये अंग्रेजों के चमचे हैं। लगाऊं मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस, मैं कहता हूं कि आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों के साथ खड़ा होने का इतिहास। मतदार आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांध, मेरा मोबाइल चेक कीजिए साथियों, मेरी माँ और बहन को भक्ति भक्ति गालियां दी जा रही हैं। इसी भारत माता की बात करते हो, अगर तुम्हारी भारत माता में मेरी माँ शामिल नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है यह भारत माता का कंसेप्ट। देश की महिलाएं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मेरी माँ आंगनबाड़ी सेविका है, 3000 से हमारा परिवार चलता है, और ये उसके खिलाफ गालियां दे रहा है। मुझे शर्म है इस देश में। इस देश के अंदर जो गरीब मजदूर दलित किसान हैं, उनकी माताएं भारत माता नहीं है। मैं कहूंगा जय, भारत के माताओं की जय, पिताओं की जय, माताओं बहनों की जय, किसानों मजदूरों दलितों आदिवासियों की जय। मैं कहूंगा तुम्हें हिम्मत है तो बोलो इंकलाब जिंदाबाद, बोलो भगत सिंह जिंदाबाद, बोलो सुखदेव जिंदाबाद, बोलो अशफाकुल्ला खान जिंदाबाद, बोलो बाबा साहेब जिंदाबाद, तब हम माने इस देश में भरोसा करते हैं। और तुम बाबा साहेब का 125वीं जयंती मनाने का नाटक कर रहे हो, है तुम में हिम्मत तो सवाल उठाओ जिसको सवाल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उठाया। इस देश के अंदर जातिवाद सबसे बड़ी समस्या है, बोलो जातिवाद के ऊपर। लगा लाओ रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाओ, तमाम जगह रिजर्वेशन को लागू। सवाल है तब मानेंगे कि तुमको मीडिया चलाएगा नहीं है, देश तुम्हारा कभी नहीं था और कभी नहीं हो सकता। कोई देश अगर बनता है तो वहाँ के लोगों से बनता है। अगर देश की अवधारणा में मजदूरों के लिए जगह नहीं है और देश नहीं है। कल मैं टीवी डिबेट में ये बात बोल रहा था दीपक चौरसिया जी को कि चौरसिया जी, ये गंभीर समय है, इस बात को याद रखिएगा। अगर मुल्क में फांसीबाज जिस तरीके से आ रहा है, मीडिया भी सुरक्षित नहीं रहने वाली है। उसके भी स्क्रिप्ट लिख करके आएंगे संघ के ऑफिस से, और उसके भी स्क्रिप्ट लिख करके आते थे कभी इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस की ऑफिस से, इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप सच में इस देश में देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, कुछ मीडिया के साथी कह रहे थे कि हमारे टैक्स के पैसे से, सब्सिडी के पैसे से जेएनयू चलता है, हाँ सच है, सच है कि टैक्स के पैसे से चलता है, सच है कि सब्सिडी के पैसे से चलता है। लेकिन ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी होता किस लिए है? यूनिवर्सिटी होता है कि समाज के अंदर जो कॉमन कंसाइंस है कोट एंड कोट, उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, क्रिटिकल को किया जाए। अगर यूनिवर्सिटी इस काम में फेल है कोई देश नहीं बनेगा, उस देश में कोई लोग शामिल नहीं होंगे, और देश होगा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए चारागाह होगा, सिर्फ और सिर्फ लूट और शोषण का चारागाह बन करके रह जाएगा। अगर देश के अंदर लोगों की जो संस्कृति है, लोगों की जो मान्यताएं हैं, लोगों का जो अधिकार है, हम उसको
साथ शामिल नहीं करेंगे उससे देश नहीं बनेगा। हम देश के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और उस सपने के साथ खड़े हैं जिसको भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। हम उस सपने के साथ खड़े हैं सबको बराबरी का हक दिया जाए। हम उस सपने के साथ खड़े हैं कि सबको जीने का हक हो, सबको खाने पीने और रहने का हक हो। उस सपने के साथ खड़े हैं और उस सपने के साथ खड़ा होने के लिए रोहित ने अपना जान गंवाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन संघियों को, लानत है तुम्हारी सरकार पर और चुनौती है मुझे केंद्र सरकार को कि आप रोहित के मामले में जो किया है वो जेएनयू में हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की बात और बांग्लादेश की बात, हम कहते हैं कि दुनिया के गरीबों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया की मानवता जिंदाबाद, भारत की मानवता जिंदाबाद। जो इस मानवता के खिलाफ खड़ा है हम उसको आज आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आज यही हमसे हमारे सामने सबसे गंभीर सवाल है कि उस आइडेंटिफिकेशन को हमको बना के रखना है। वो जो चेहरा है जातिवाद का, वो जो चेहरा है मनुवाद का, वो जो चेहरा है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ का, उस चेहरे को हमको एक्सपोज करना है और सचमुच का लोकतंत्र, सचमुच की आज़ादी, सबकी आज़ादी देश में हमको स्थापित करनी है। चाहते हैं और इसीलिए आप तमाम साथियों से अपील है कि तमाम तरीके का डिफरेंसेस रखते हुए जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा मुल्क है, उसकी एकता के लिए हम लोग एकजुट रहेंगे, एकमुश्त रहेंगे। और यह जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, आतंकियों को पनाह देने वाले जो लोग हैं, एक सवाल, अंतिम सवाल पूछते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि कौन है कसाब, कौन है अफजल गुरु, कौन है ये लोग जो आज इस स्थिति में हैं कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार है। अगर यह सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठेगा, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब है। नहीं करेंगे कैसे आप वायलेंस को देखते हैं? वायलेंस सिर्फ यही नहीं होता है कि हम बंदूक लेकर किसी को मार दें, वायलेंस यह भी होता है कि संविधान में जो दलितों को अधिकार दिया गया है वो अधिकार जेएनयू प्रशासन देने से मना करता है। यह इंस्टीट्यूशनल वायलेंस है। कौन तय करेगा कि जस्टिस क्या है? जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी तो दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते थे, यही जस्टिस थी। जब अंग्रेज थे तो कुत्तों को और भारतीयों को रेस्टोरेंट में नहीं जाने दिया जाता था, यही जस्टिस था। इस जस्टिस को हमने चैलेंज किया और हम आज भी एबीवीपी और आरएसएस के जस्टिस को चैलेंज करते हैं। हम नहीं मानेंगे तुम्हारे जस्टिस को और नहीं मानेंगे तुम्हारी आजादी को। हम मानेंगे उस दिन आजादी को जिस दिन हर इंसान को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलेगा, जिस दिन हर इंसान को उसका संवैधानिक अधिकार देते हुए इस मुल्क के अंदर बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, उस दिन हम जस्टिस को मानेंगे। बहुत गंभीर परिस्थिति है। किसी भी तौर पर JNUSU किसी भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकवादी घटना का, किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी का कोई समर्थन नहीं करता। सच्चों में एक बार फिर से जो कुछ लोग, अनआइडेंटिफाइड लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, JNUSU उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। आप सब लोगों को शेयर करते हुए ये सवाल है JNU एडमिनिस्ट्रेशन और ABBP के लिए। इस कैंपस में हजार तरह की चीजें होती है,
अभी आप ध्यान से एबीपी का स्लोगन सुनिए, ये कहते हैं कम्युनिस्ट कुत्ते, ये कहते हैं अफजल गुरु के पिल्ले, ये कहते हैं जिहादियों के बच्चे। अगर इस संविधान ने हमको नागरिक होने का अधिकार दिया है तो मेरे बाप को कुत्ता कहना ये हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन है कि नहीं है, ये सवाल मैं एबीपी से पूछता हूं। ये सवाल पूछना चाहते हैं जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप किसके लिए काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं और किसके आधार पर काम करते हैं। ये आज बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन पहले परमिशन देता है, फिर नागपुर से फोन आने के बाद परमिशन लेता है। यह जो परमिशन देने और लेने की प्रक्रिया है यह उसी तरीके से तेज हो गई है इस मुल्क में जैसे फेलोशिप को देने और लेने की प्रक्रिया है कि पहले फेलोशिप आपको बढ़ाने की घोषणा की जाएगी, फिर कहा जाएगा कि फेलोशिप बंद हो गया। ये संघी पैटर्न है, ये आरएसएस और एबीवीपी का पैटर्न है जिस पैटर्न से वो मुल्क को चलाना चाहते हैं और इसी पैटर्न से वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं। हमारा सवाल है जेएनयू के वाइस चांसलर से कि पोस्टर लगा था जेएनयू में बकायदा, पर्चे आए थे मेस में, अगर दिक्कत था तो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन पहले परमिशन नहीं देता, अगर परमिशन दिया तो किसके कहने से परमिशन कैंसिल किया, ये बात जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करे, ये सवाल हमारी से पूछना चाहिए। साथ ही साथ ये जो लोग हैं इनकी सच्चाई जान लीजिए, इनसे नफरत मत कीजिएगा क्योंकि हम लोग नफरत कर नहीं सकते, इनसे मुझे बड़ी ही दया भाव है इनके प्रति, ये इतने उछल रहे हैं क्यों, इनको लगता है जैसे गजेंद्र चौहान को बिठाया है वैसे हर जगह चौहान दीवान फरमान ये जारी कर दे रहे हैं, चौहान दीवान और फरमान की बदौलत ये हर जगह नौकरी पाते रहे। इसीलिए जब ये जोर से भारत माता की जय चिल्लाए तो आप समझ लीजिए कि परसों इनका इंटरव्यू डीयू में होने लगेगी, नौकरी लगेगी देशभक्ति पीछे छोड़, नौकरी लगेगी भारत माता का कोई ख्याल नहीं, नौकरी लगेगी तिरंगा को तो इन्होंने कभी माना ही नहीं, भगवा झंडा भी नहीं। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि कैसी देशभक्ति अगर एक मालिक अपने नौकर से सही बर्ताव नहीं करता, अगर किसान अपने मजदूर से सही बर्ताव नहीं करता, अगर पूंजीपति अपने एम्प्लॉयमेंट से सही बर्ताव नहीं करता, और ये जो अलग अलग चैनल के लोग हैं जो पत्रकार काम करते हैं 15,000 रुपए में, इनके जो सीईओ हैं वो इनसे ठीक से बर्ताव नहीं करते, देशभक्ति भारत पाकिस्तान के मैच पे खत्म कर, केले वाले के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, केला वाला कहता है साहब 40 रुपए दर्जन, कहते हैं भक्त तुम लोग लूट रहे हैं 30 का दे दो, तो केला वाला अगर जिस दिन पलट करके बोल देगा ना तुम सबसे बड़े लुटेरे हो करोड़ों लूट रहे हो, तो कह देंगे कि ये देशद्रोही के दोस्तों को जानता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि सच में तुम्हारे अंदर देशभक्ति की भावना पनपती है, वो कहता है भैया क्या करें 5 साल की सरकार है, 2 साल खत्म हो गया है, 3 साल का टॉक टाइम बचा है, जो करना है इसी में कर डालना, तो हम बोले ठीक है कर लो, लेकिन ये बताओ कि जेएनयू के बारे में झूठ बोलोगे तो कल को तुम्हारा कॉलर भी कोई पकड़ लेगा और तुम्हारा ही साथी पकड़ लेगा जो आजकल ट्रेन में बीफ चेक करता है, वो पकड़ करके तुमको लिंचिंग करेगा और कहेगा कि तुम जो हो देशभक्त नहीं हो क्योंकि तुम जेनुइन हो, इसका खतरा समझते हो, बोला इसका तो समझते हैं भैया,
इसीलिए हम लोग JNU शटडाउन का जो हैशटैग है उसका विरोध कर रहे हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया है भाई साहब, पहले JNU हैशटैग के लिए माहौल बनाओ फिर उसका विरोध करो, क्योंकि रहना तो JNU में ही है। इसीलिए मैं आप तमाम JNU के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव होगा मार्च में, और ABBP के लोग ओम का झंडा लगाकर आपके पास आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि हम देशद्रोही हैं, हम जिहादी आतंकवादी हैं, हमारा वोट लेकर के तुम भी देशद्रोही हो जाओगे। इनसे जरूर पूछिएगा, तब ये कहेंगे कि नहीं नहीं आप लोग नहीं है, वो कुछ लोग थे। तो हम कहेंगे कि वो कुछ लोग थे, ये बात तो तुमने मीडिया में नहीं कही, तुम्हारा वाइस चांसलर नहीं बोला और तुम्हारा रजिस्ट्रार भी नहीं बोल रहा है, और वो कुछ लोग भी तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं लगाए, वो कुछ लोग भी तो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के पक्ष में नहीं हैं, वो कुछ लोग भी तो कह रहे हैं कि हमारा परमिशन देकर के परमिशन कैंसिल कर दिया, ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर अटैक है। वो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर इस देश के अंदर कहीं लड़ाई लड़ी जा रही है तो उसके समर्थन में हम खड़ा होंगे। इतनी बात इनके पाले पड़ने वाली नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ ये जो लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हैं उनके पाले पड़ रहा है, और वो लोग इस कैंप पर जाएंगे कि स्टूडेंट के पास जाएंगे, हम उनको बताएंगे कि ये इस देश को तोड़ रहा है, बल्कि JNU को तोड़ रहा है। हम JNU को टूटने नहीं देंगे, JNU जिंदाबाद था, JNU जिंदाबाद रहेगा। इस देश के अंदर जितने भी संघर्ष हो रहे हैं उस संघर्षों में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेगा, और इस देश के अंदर लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत करते हुए, आज़ादी की आवाज़ को मजबूत करते हुए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आवाज़ को मजबूत करते हुए इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, और देश के गद्दारों को परास्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को यूनिटी का अपील करते हुए मैं बात को समझूंगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।